जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों काफी लंबे समय के बाद एनटीपीसी की जॉब निकली है। बात की जाए दोस्तों यह ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र से हो तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, तभी आप लोग को पता चलेगा क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कैसे आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बात की जाए आपको इसके पूरे प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा और कितने पोस्ट आपको देखने के मिलने वाले हैं, क्या पोस्ट होने वाले हैं और इसके लास्ट डेट और आखिरी डेट के ऊपर पूरा अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त आईक्यू में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग को हमेशा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट मिलते रहते हैं और अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियो मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। दोस्तों आपको हमेशा रियल और जेन्युइन वीडियो मिलते हैं। तो चलिए सीधा बात करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने के तरीके बताऊंगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहे। दोस्तों पहले बात की जाए आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे पोस्ट मिलने वाला है वह है इलेक्ट्रिकल। दोस्तों इलेक्ट्रिकल का पोस्ट आपको पहला मिल रहा है। सेकेंड पोस्ट की बात की जाए तो मैकेनिकल और जो थर्ड पोस्ट आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों तीन कैटेगरी के पोस्ट रखे गए, तीनों कैटेगरी के पोस्ट काफी अच्छे यहाँ पे होते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस पोस्ट पे कितने कितने आपको सीटें अवेलेबल है। बात की जाए जो इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है उसमें 22 सीटें अवेलेबल है। बात की जाए मैकेनिकल का जो पोस्ट है उस पर आपको 14 सीटें अवेलेबल है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट है उस पर भी 14 सीटें अवेलेबल है। दोस्तों बात की जाए इसमें कुल 50 सीटों पे वैकेंसी कराई जाने वाली है और ये डायरेक्ट वैकेंसी है। दोस्तों बात की जाए ये डायरेक्ट वैकेंसी है, बस आपको इंटरव्यूज के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके एज के ऊपर। दोस्तों एज की बात की जाए कि इसमें एज क्या होने वाला है, तो एज की बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष के बीच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 से 27 वर्ष के बीच में हैं तो जरूर फॉर्म अप्लाई करें, ये अन्यथा अपने फ्रेंड के अंदर वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सके। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके डेट के ऊपर, इसका स्टार्टिंग डेट क्या होने वाला है और लास्ट डेट क्या होने वाला है। स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो 16/4/2021 बात की जाए 16 अप्रैल से इसका स्टार्टिंग डेट हो गया है और लास्ट डेट की बात की जाए तो 6 मई 2021 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए इसमें कैटेगरीज वाइज जो एज मैंने आपको बताया था 18-27, उसमें कैटेगरीज वाइज छूट भी मिलती है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें छूट भी मिलती है, तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करें। यहाँ पर बात की जाए और डेट की बात की 16/4/2021 स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट जो इसका है 6 मई 2021, इसी डेट के बीच में फॉर्म को आप लोग अप्लाई करें, अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है तो अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर वीडियो को शेयर करें। दोस्तों बात की जाए इसमें कितना फीस लगने वाला है, फीस की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों फीस नहीं लगने वाला है। बात की जाए क्यों नहीं लगने वाला है, तो यह फीमेल कैटेगरी के लिए सीटें हैं। दोस्तों बात की जाए ये जो एनटीपीसी का जॉब के बारे में हम लोग बात करें वो पूरे फीमेल कैटेगरी के हैं। अगर आप फीमेल हैं तभी फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा अगर फीमेल आप नहीं है तो अपने फीमेल फ्रेंड के यहाँ या किसी फीमेल पहचान वाले के यहाँ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वह एनटीपीसी का जॉब अप्लाई कर सके। दोस्तों बात की जाए इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये अब जो पूरी सीटें 50 रखी गई हैं वो पूरे फीमेल कैटेगरी के लिए सीटें रखी गई हैं। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या देखने को मिलना होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो यह फॉर्म आपके लिए है। दोस्तों इसी पे वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के यहाँ एक बार जरूर शेयर करें। दोस्तों बात की जाए बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए बैचलर डिग्री किस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री की बात की जाए तो अगर बैचलर डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग से किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बैचलर डिग्री अगर आपने टेक्नोलॉजी से भी किया है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बैचलर डिग्री की बात की जाए तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों टोटल 50 पोस्ट है ऑनलाइन फॉर्म है। बात की जाए कैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें, या तो आप लोग टेलीग्राम में जाकर सर्च मार सकते हैं दोस्त आईक्यू 1, जब सर्च मारेंगे वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे डायरेक्ट ज्वाइन करके आप लोग चाहे तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वहां पे नोटिफिकेशन में रखा हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे अच्छी खासी और डिटेल आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।